हेलो एवरीवन, वेलकम टू मर्लिन मास्टर्ड मील्स। सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बनाते हैं ये बांगड़ा का सूखा। ये जो बांगड़ा है मैंने इसको अच्छा से धो के काट के साफ करके मैंने नमक और ये अदरक लहसुन लगाएंगे, एक चम्मच हल्दी लगाएंगे, एक चम्मच और मिर्ची लगाएंगे डेढ़ चम्मच ऐसे। तो आप देख सकते हैं बांगड़ा बहुत फ्रेश है, इसकी आँख देखो बहुत ही वाइट है। अगर रेड रहेगी तो वो फ्रेश नहीं होता है। तो ये सब फ्रेश है, आप देख सकते हो बहुत फ्रेश है, ये देखो। तो अभी इसको लगाते हैं मसाला, और लगाएंगे एक नींबू डाल देंगे एक, और इसको मैरिनेट करते हैं अच्छी तरह से। इसको ऐसे मसाला लगा के थोड़ी देर रख देंगे और बाकी की तैयारी करेंगे। तो फिर बनाते हैं अपना बांगड़ा का सूखा। तो अब मैं डालूंगी तेल, इसमें तेल डाला है। अब मैं डालूंगी ये प्याज, इसमें ये तीन छोटे प्याज है। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। अभी ये कांदा ब्राउन हो गया है, अभी मैं डालूंगी अदरक लहसुन और हरी मिर्च लंबा लंबा काट के, एक इंच अदरक का और चार पांच लहसुन की कलियां और चार पांच मिर्ची, ये मैंने काट के इसमें डाला है अभी। इसके बाद मैं डालती हूँ टमाटर, ये तीन टमाटर है, तीन कांदा तीन टमाटर मीडियम साइज़ के हैं। तो इसको अभी थोड़ा अच्छा से फ्राई करेंगे, इसका मॉइस्ट करेंगे थोड़ा मसाला जो है, ये अपना कांदा टमाटर मिर्ची ये सब मॉइस्ट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस सब आपको आ जाएंगे। और देखना हो नहीं देखना हो अलग बात है वो, तो ये सब आपके लिए फ्री है। तो थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम ये फिश जो मैरिनेट किया था इसको फ्राई करते हैं। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा मसाला है उसके कच्चा कच्चा, इसके लिए उसको थोड़ा सा सेमी फ्राई करते हैं। थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। देखो उसका कच्चापन निकल जाए तो अपना फिश निकाल देंगे। ये देखो आप देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है अपना फिश, तो ज़्यादा नहीं करना है। इसके लिए मैं यही खड़ी हूँ, यहाँ से जाऊँगी नहीं। कुछ लगाने का नहीं है फ्राई के लिए, ऐसे ही मसाले वाला डाल देने का। अब हम इसको निकाल देंगे, इतना ही अपने को फ्राई करना है इसको। अब डालेंगे ये दूसरा वाला भी
ऐसे ही फ्राई करेंगे दूसरा वाला भी। देखो अपना फ्राई फिश और ये दूसरा वाला भी हो गया। अभी गैस बंद कर देंगे। अब डालेंगे ये मसाले। ये मिक्स मसाला है और ये मिर्ची पाउडर है। मिक्स मसाला 2 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, काली मिर्ची 1/2 चम्मच और थोड़ा सा चुटकी गरम मसाला। तो ये डाल देंगे अंदर, इसको अच्छा से फ्राई करेंगे। अभी इसमें डालूंगी मैं 1 ग्लास पानी। और ये डालती हूँ, ये है त्रिफल। ये बांगड़ा में हमेशा डालते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। मसाला बहुत बहुत प्यारा लगता है। तो ये त्रिफल डालूँगी मैं और इसको उबाल लूँगी अच्छा से। अब डालेंगे ये इमली का पानी थोड़ा सा। 1 चम्मच इमली मैंने डाला था इसमें छोटा, तो थोड़ा सा इमली का पानी डालेंगे इसमें। और उसको अच्छे से बॉईल करेंगे। तो फिर बनाते हैं अपना बांगड़ा। अभी हम डालेंगे थोड़ा सा विनीगर इसमें, 1 चम्मच विनीगर डालेंगे लास्ट में। और अब डालेंगे अपना फिश जो हमने फ्राई किया था इसमें, और ये भी डाल देंगे। इस 6 बांगड़ा है, 6 बांगड़ा मैंने लिया था, तो आपको जितना चाहिए उतना ले लो। अब इसको पूरा ग्रेवी में ऐसे डुबाने का ताकि वो बांगड़े का टेस्ट आ जाए ग्रेवी को ऐसे, और 2 मिनट उबालने का। तो अपना बांगड़े का सूखा रेडी है खाने के लिए। चावल के साथ खाओ या रोटी के साथ खाओ। गैस करते हैं बंद। ये देखो अपना बांगड़ा सूखा तैयार है। तो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बनाओ, खा के देखो, बहुत मस्त बनता है ये। तो थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए, आप टाइम निकाल के और व्यूज़ देने के लिए। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।